Hi guys, welcome back to the channel and girls are getting ready for the day 2 at BEED. तो since अभी मौसम थोड़ा अच्छा है तो हम सोच रहे कि अभी थोड़ा जल्दी निकल जाते हैं because breakfast भी pending है and कल भी हम लोग silver lining जा रहे थे but unfortunately हम लोग बीच में ही रुक गए थे. ऐसा क्यों शकुन? We got attracted to the live music being played at Mafia. So, it was very good. नहीं उसमें ठंडा वाले क्यों पहनी ऊपर ये मेरे को ठंड लगने की चांसेस थोड़े हैं. बरखा बुरखा बारिश कुछ पड़ गई. वैसे क्लाउडी है आज. ओके गाइज, सो वी आर मूविंग नाउ, वी आर डन. अभी हम निकलेंगे सिल्वर लाइनिंग जैसे मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था एंड आफ्टर दैट वी आर थिंकिंग ऑफ रेंटिंग अ स्कूटी बिकॉज जहाँ हम जा रहे हैं उसके लिए हमें स्कूटी की रिक्वायरमेंट है. सो या लेट्स मूव. यहीं से निकल के आगे वो पैराग्लाइडिंग वाली साइट है ना, उस तरफ को ही है. अच्छा हो वैसे हम सुबह जा रहे हैं, अच्छे से ना देख ही लेंगे. रात में लाइट सी दिखनी थी. क्या खाएंगे दीदी आप? I will have some pancakes, some waffles, some grilled sandwiches. ब्रेकफास्ट में वॉफल्स? हाँ वैसे खा सकते हैं. आई कैन ऑल्सो हैव. मेरे को तो फ्रेश जूस की जरूरत है, माय स्टमक नीड्स इट बैडली. शाम का रश एक तरफ गाइज और अभी सुबह की शांति एक तरफ. सो वी आर नियर दिस लैंडिंग साइट और अभी ना बिल्कुल भी लोग नहीं है, बहुत ही कम लोग हैं, बहुत ही. यार कोई गूगल मैप्स पे चेक करो कितना दिखा रहा है. देखो मैं यहीं बैठ जाऊंगी, ज्यादा दूर है तो. यार ये तो कुछ इन्होंने तो यहाँ क्लोज लिखा है पर नेवर माइंड. क्यूट कैफे शगुन, क्या ये वही है? ये बोगनवेल तो अच्छी है यहाँ पे. क्यूट. So guys, we have reached this Silver Lining Cafe. पहले हमें थोड़ा लग रहा था कि ये क्या है, थोड़ा सा शेडी सीन लग रहा था बट द बोगन वेल आउट इज वेरी ब्यूटीफुल. सिटिंग अच्छी है और यहाँ पे आपको इजराइलीज भी डेस्परेशन तो कभी हुई किसी ऑर्डर के लिए सच में. हंगरी फेसेस. अभी मैंने गरम गरम पैन केक खाया और इससे पहले कि इनको पता लगता मेरा मुंह जल गया, मैं उठ गई वहाँ से. यार यहाँ पर बहुत टाइम लगता है. बट यार एक चीज़ है इस जगह की ना, इसमें यहाँ पर रश नहीं था तब भी टाइम लग गया. फ्रेश बना रहे हैं, स्क्रैच से बनाया ना सब कुछ इसलिए. ये फ्रेश था बट अच्छा था. चलो एटलीस्ट अगर मेरे डैड होते तो ब्रेकफास्ट करने के लिए शायद वो दो बार चले जाते थे. शगुन वो शॉप कहाँ है? हाँ हमने बात कर ली थी वैसे, हमने बोला, उन्होंने पहले बोला कि 600 तक हो जाएगा, फिर हमने बात की हम यही मंडी से आए. फाइनली हमें स्कूटीज मिल गई हैं. आयुषी गौतम को स्कूटी मिल गई है. सोनाली इज ऑल सेट. सैदुल खोसला, व्हाट अबाउट यू? यू आल्सो गॉट अ स्कूटी? या आई गॉट अ स्कूटी ऑल प्रेप्ड अप. मैं एक्चुअली मेरा जो पीछे वाला बंदा है वो थोड़ा सा नर्वस है. हां दैट्स मी. सो मेरा हेलमेट थोड़ा लूज है. सभी के ऐसे हो. मेरा तो यही टूटा हुआ है. We have just stopped at this shop over here. They are giving us few 1 liter की bottle is for 120. तो हमने सोचा कि 1 liter तो डाल ही लेते हैं.
आफ्टर ट्रैवलिंग फॉर अराउंड 18 मिनट्स वी हैव रीच दैट पॉइंट जहाँ से हम लोगों को जो हम वाटरफॉल जा रहे थे उसके लिए हल्का सा हाइक करना पड़ेगा। यार रास्ता बहुत डेंजरस था, मतलब सोनाली वॉज राइडिंग विद मी तो मैंने उसे उतार दिया कि उतर जाओ ऐसा ना हो कहीं गिर जाए। लिटरली पथरीला रास्ता है, आपको दिखा इस रास्ते पे और इससे भी गंदे रास्ते पे मैं स्कूटी मैं शगुन और मिट्टू और सोनाली इस पे आए हैं अभी। एंड लुक एट दिस वैली। और हमने एक गाइड किया है एक भैया, ही वाज सेइंग कि यू हैव टू डू रॉक क्लाइंबिंग एंड इट इज़ गोइंग टू गेट डिफिकल्ट। तो हमें लगा कि चलो ठीक है यार कर लेते हैं, ऐसे क्यों रिस्क लेना है। बट एनी हाउ द सीनिक ब्यूटी इज़ रियली गुड। मतलब जैसे हम ना 1.5 घंटे में हमारा हो जाता है आना जाना थोड़ा बैठ चुके थोड़ा। उन्होंने तो 3.5 घंटे लगा दिए। किसने लगाए 3.5 घंटे ट्रैक करने के लिए आने जाने के लिए? वो ड्राइवर भी परेशान हो गया था उनका, कैब में आए थे वो मेरे को कॉल करके के बोला भाई आ नहीं रहे तो कैसे लेके आऊँ मैं। भैया ने भी ऐसी ऐसी कहानियाँ बताई ना पैराग्लाइडिंग की, मजा आ रहा है। एक बात सुनिए ना, नहीं ये नहीं है, ये नहीं मैम शगुन बोलती मैं यहीं से चली जाऊंगी वापस। अगर ये ऐसे ऐसे ना आपको ना इस रिवर में ना 50 मिल जाएंगे नीचे तक जाओगे। चलो सामने ये मंडी है। अच्छा ये मंडी है, ओके। ये कांगड़ा का है। अच्छा वैसे लास्ट बाउंड्री है कुल्लू और शिमला का पहाड़ी का, ऐसा है। ठीक है ठीक है, यहाँ से मंडी स्टार्ट होगी। डिवाइडेड बाय ओनली दिस वाटर बॉडी खड Guys, so we are near this water body and now we are supposed to like go in water for 200 meters and you see a rock climbing bhi hai upar. ठीक है कहानियाँ सुनी हमने आपकी। ऐसा है कि मतलब बहुत सारी ऐसे हैं, बहुत सारे आप YouTube में सर्च करो मैं कहीं दिख जाऊँगा। ऐसा है ये गया हम चले चलो चलो फिर ठंडा ठंडा बहुत ठंडा पानी है यार। नेचुरल स्विमिंग पूल गाइस, इट्स अ नेचुरल स्विमिंग पूल, इट्स क्वाइट डीप। आई हैव मेड थ्रू द वाटरफॉल बट दिस इज क्रेजी, ओह गॉड। लुक एट दिस गाइस, इट्स क्रेजी। सो गाइस फॉर वॉकिंग अराउंड 200 मीटर्स इन वाटर वी हैव मेड इट टू दिस ब्यूटीफुल वाटरफॉल जिसके छींटे भी ना हमें फील हो रहे हैं। मुश्किल ऊपर जाना, कई ज्यादा मुश्किल नीचे आना था।
बाकी हम लोग पहुंच गए तो यहाँ पर दो शॉप से वहाँ पर चाय वगैरह पीएंगे बिकॉज ऊपर इट वॉज वेरी उस टाइम जब मस्ती करी थी तब तो पता नहीं लगा, बट अभी जैसे हवा लग रही है ना ये डॉक्टर साहब फुल और पानी में और सोनाली भी हालत खस्ता सोनाली की शर्ट काम आ रही है सोनाली के लिए। पांच चाय है हमारी, पांच चाय है, चाय उनको बोला हमने। या आप अपना नंबर शेयर कर दो बिकॉज कई हम लोग लोकल हैं, हम लोग आए हमको लगा हमसे हो जाएगा बट नहीं हो पाया है ना, डिफिकल्ट है तो बाहर के लोग आएंगे उनसे तो डेफिनेटली नहीं हो पाएगा, तो ताकि और लोग भी जो है इस सीनिक ब्यूटी का मजा ले सके आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर बता दो 8580803275 अभिषेक नाम है मेरा। ठीक है, थैंक यू सो मच, मोस्ट वेलकम। ओके जी, बाय बाय बाय। अ क्विक अपडेट गाइस, वी लेफ्ट अ बॉटल जहाँ पे हमने चाय पी थी, शगुन ट्राई करिए कि किसी तरह आ जाए तो। हॉस्टल के पास हॉस्टल है, जो मेरा हेलमेट है ना वो ओवर साइज और बहुत ऐसा वॉबली सा और है, वॉबली हेलमेट। सिंपल स्टेटस गेटिंग बिगर एंड बिगर, सो सॉरी। अभी ना हम लोग थोड़ा सा रेस्ट करने वापस से हॉस्टल आ गए क्योंकि मतलब ना थोड़ा एग्जॉटिंग तो हो गया था, तो इसके बाद अभी जो हमारा नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन है दैट इज कवरिंग मॉनेस्ट्रीज। पीर सामान हमने खले रहना है यहाँ पे, ये सोने से पहले हमने डालना भी, पता लगा सुबह हमारा कुछ भूल गया है यहाँ पे। ठीक है सोनाली मैडम, हमारा हॉस्टल का कमरा नहीं बना भाई, कॉलेज में होता था हमारा ऐसा रूम। तीन ऐसा करेंगे, एक तो जाएंगे हम टी गार्डन्स, ठीक है, दूसरा है मोनेस्ट्री, तीसरा है अपना लाफिंग का प्लान खाने का। ठीक है, सो आफ्टर राइडिंग फॉर अप्रॉक्सीमेटली 1.3 किलोमीटर फ्रॉम आवर हॉस्टल वी आर you know near this beautiful monastery. The name of this monastery is Sringjong Monastery, and just like any other temple, Buddhist temple, the ambience and aura is so pure and peaceful. Just check out these flags. See, one of the reasons why I'm like very much attracted towards these monasteries is like these beautiful color palettes they are using in their structures. Plus, they have this tendency of, you know, preserving tradition in all the artworks that they have done. I was just going through the information of this monastery and I got to know that it's not just a park and not just a temple, but it also serves as a residential complex for around 100 monks out here, and I just saw a few of them. We have this huge prayer wheel here, it's quite huge. These beautiful stones were about to take my breath away until I saw this. So this is basically the temple of the monastery where all the monks pray, and look at this beauty. These are I guess the homes to all the monks, jitna mujhe samajh aa raha hai. Kitne cute hai yaar ye similar se structures. Guys, literally I have this feeling कि या तो मैं भूटान पहुंच गई हूँ या मैं यहाँ पर मिनी टिबेट में आ गई हूँ। शगुन डूइंग द बेस्ट शी कैन डू एंड गर्ल्स डूइंग द बेस्ट दे कैन डू। अब हम नेक्स्ट स्टॉप हमारा है टी गार्डन्स विशालो। पहले हम थे लैंडिंग साइट के फ्रंट वाले एंड पे, बट अगर आप लैंडिंग साइट के बैक एंड पे आओगे तो यहाँ पर बहुत ही वेल मेंटेन टी गार्डन मिलेगा। तो अभी हम लोग एक्चुअली पहले चले गए थे जहाँ पे, वहाँ पे भी टी गार्डन था बट इट वॉज मेंटेन है ना, तो मैं किसी ने बताया कि मैम आप ऑपोजिट डायरेक्शन में जाओ। सो वी आर हेयर, लेट मी जस्ट शो यू द टी गार्डन्स। अंधेरा अंधेरा लग रहा है यहाँ पे है ना। टी गार्डन्स, हाय डोगोश, गुड बॉय गुड बॉय, हाय डोगोश हाय डोगोश। ऐसी जो वॉक्स होती है ना टी गार्डन्स के बीच में, मतलब मुझे इतनी सेरीन सी लगती है ना, बहुत ही सुंदर लग रहा है यार यहाँ पे। मतलब मैं ना कैप्चर भी नहीं कर पा रही हूँ अपने कैमरे में कि कितना ब्यूटीफुल है यहाँ पे। एक्चुअल में आज ना बहुत ज़्यादा सनी नहीं था
जिसकी वजह से ना ये यहाँ पे प्लांटेशन भी काफ़ी डेंस है एंड ट्रीज भी बहुत है, तो ऐसा लग रहा है जैसे अंधेरा ही हो गया है, बट इट्स रियली ब्यूटीफुल। सो ये पूरा यहाँ से काफ़ी आगे तक, इट्स अ ह्यूज टी एस्टेट, जितना मुझे समझ आ रहा है इट्स अ वेरी ह्यूज टी एस्टेट। मैंने सोच रही हूँ कि इसमें जाऊँ, बट मुझे ना थोड़ा डर भी लग रहा है कि यार ऐसा ना हो कुछ कहीं, यू नो बहुत रास्ता दिख रहा है ना, वी कैन जस्ट ट्राई टू गो, तो देन लेट्स गो ना। ऊपर भी बना हुआ था, वेयर आर अदर पीपल। हाँ यहाँ से तो आई थिंक वी कैन गो, घुस गए हैं हम बीचों बीच, कहाँ जाएं अब, और आगे जाएं, कहाँ जाएं और, यही ये जो बिल्कुल छोटी छोटी पत्तियां होती है ना इनको चुनते हैं, ये बड़े पत्ते किसी काम के नहीं होते हैं। सो गाइज दैट वॉज इट फॉर टूडेज ब्लॉग, तो हमने टी गार्डन्स कवर कर लिए, वी वेंट टू द वाटरफॉल, वी वेंट टू द मॉनेस्ट्री एंड अब क्या, अब कुछ भी नहीं बचा, शाम को हम लोग डिनर पे जाएंगे, गर्ल्स डिनर डेट है, एंड दैट वॉज इट फॉर द ब्लॉग। कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हर जगह कैसे लगी और कौन सा आपको सबसे फन पार्ट लगा। बाय।